आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। सेवानिवृत्ति एक ऐसा अवसर है जहां सेवा से निवृत्त हो रहे व्यक्ति को बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ती हैं। उस समय दोनों खुशी के पल और दुखद क्षण व्यक्ति की आंखों के सामने छा जाते हैं। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन रिटायर हो रहे व्यक्ति के काम या योगदान को पहचानने के लिए किया जाता है। इंदौर नगर निगम के राजमहल्ला जोन क्रमांक 2 में ऐसा ही एक नजारा मंगलवार को देखने को मिला, जब यहां के 4 कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार को यहां के कार्यालय अधीक्षक श्रीमती मधुबाला शर्मा, कंट्रोल रूम प्रभारी दिनेश भीमसिंह, पीयून पवन बाबूलाल जैन एवं NRY विभाग के सत्य प्रकाश टांक के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी GD सुतार, COVID-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश शर्मा एवं कार्यालय अधीक्षक श्रीमती मोहिनी लाभांते ने चारों कर्मियों द्वारा नगर निगम में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। किस तरह से क्या कार्यक्रम पूरा यहाँ पर आयोजित किया? आज हमारे जोन के हमारे कर्मचारी साथी श्रीमती मधुबाला शर्मा, सत्य प्रकाश टांक और दिनेश भीमराव और पवन जैन जो हमारे कर्मचारी साथ हैं, आज वो 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ऐसे मौके पर आज हमने हमारे कर्मचारी यूनियन की तरफ से इनका स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया है। बहुत अच्छी तरह समय बीता हमारा 62 साल की आयु में नगर निगम में जी। और क्या बोल, आज जो ये आपका सम्मान हो रहा है विदाई के साथ में, किस तरह से क्या लगता है, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है और दुख भी हो रहा है जाने का जी, कि भाई हम नौकरी नहीं रही, जाने का दुख भी हो रहा है, इनका साथ नहीं रहेगा जी। और बहुत बढ़िया समय बीता। आपने क्या किस पद पर रहते हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर प्रभारी अधीक्षक के पद पर रही जी, और 2015 से यही हूँ प्रभारी अधीक्षक के पद पर कार्य करती है स्वास्थ्य विभाग। आज ये जो सेवानिवृत्ति का समारोह हुआ, क्या लगता है आपको कि खुशी किस तरह से आपके मन में है? बस खुशी है, अब तो क्या मन। परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ, परिवार के भी आए हैं ना, और ये नगर निगम जो कर्मचारी हैं वो भी एक परिवार ही है हमारा।